सर ऐसा नहीं है कि हमने शुरू किया है, ये तो अगर आप देखें तो कॉमेडी शुरू से ही रही है। कॉमेडी एक ऐसा एलिमेंट है, मुझे नहीं लगता कि ये हमने शुरू किया है। हाँ ये बात अलग है कि टीवी पे जो है वो मोनोपोली टूटी है दूसरी चीज़ों की, कि सिर्फ रोना धोना ही नहीं, अभी लोग हंसना भी सीख गए हैं। अगर आप देखें तो महमूद साहब से लेकर, महमूद साहब एक ऐसे कॉमेडियन हुए हैं, मैं उनको सिर्फ कॉमेडियन बोलना मुझे लगता है वो गलत होगा, वो एक ऐसे एंटरटेनर रहे हैं कि अगर फिल्म में वो नहीं होते थे तो शायद वो फिल्म को सक्सेस ही नहीं माना जाता था या कंप्लीट नहीं मानी जाती थी। हर एक का एक अपना अपना योगदान रहा है कॉमेडी को लेकर, और फिर जैसे धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती कि जॉनी भाई है, उन्होंने अपना इतना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया टीवी पे। हाँ ये है कि मैंने जब शुरुआत की लाफ्टर चैलेंज या जो भी मैंने सारे शोज किए, फिर अपना कॉमेडी नाइट्स को लोगों ने इतना प्यार दिया, मुझे ये लगता है कि कॉमेडी शुरू से रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि हर कोई हंसना चाहता है। सो मुझे अच्छा लगता है जब मुझे मेरे सर पे ये सेहरा बनता है कि आप आज की डेट में हम लोग एक अच्छा शो बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सो अच्छा अच्छा लगता है सर, क्योंकि पैसा शोहरत बड़े लोग कमा लेते हैं, आप किसी को कत्ल करके भी मशहूर हो सकते हो, पर ये जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं लोगों की, मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। मैं US में था, सिएटल में, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो शो ख़त्म होने के बाद एक लेडी आई, मैं हमेशा हर जगह ये किस्सा शेयर करता हूँ, तो वो एक बर्तन में कितना सारा साग बना के लेके आई थी, उसके उनके उनका बेटा डेंटिस्ट है वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बताया। अच्छा मैं तो नहीं जानता उनको, वो लेकिन टीवी पे रोज़ देखते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये अपना ही है। तो मेरे को बोलते हैं कि मुझे पता था सेटल में तुम्हें इंडियन फूड नहीं मिलेगा, इतना भर के खाना और उसमें मक्खन डाल के वाइट वाला लेके आए, मुझे नहीं लगता ये प्यार आप किसी और तरीके से ही ले सकते हो। सो बड़ा प्यार मिला लोगों का, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का भी, आप लोगों ने हमेशा साथ दिया है।